लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई। उसके बाद से आरएसएस प्रमुख ने कई बार ऐसे बयान दिए जो सीधे बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर पहले से ही उठा पटक जारी है। ऐसे में कांग्रेस मोहन भागवत के इस बयान के बाद एक और नया मुद्दा मिल गया है बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने के लिए। आप पूर्णता ही मर्यादाओं सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं। सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं। सुना आपने, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड के बिष्णुपुर ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान क्या बात कही। संघ प्रमुख ने कहा है कि इंसान सुपरमैन बनना चाहता है, देवता बनना चाहता है, लेकिन मानवता नहीं है। बस फिर क्या, कांग्रेस ने इसी बयान को लेकर के पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है, मुझे यकीन ही है कि स्वंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग पर निशाना बनाकर दागा गया है। मोहन भागवत ने गुरुवार को झारखंड में कहा है कि विकास ऐसी चीज है जिसका कोई छोर नहीं। जहां तक विकास करने की सोची वहां गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद दिखता है इसके भी आगे है। आज मानवता और इंसानियत नहीं है, वो पहले असली मनुष्य बन जाए। मनुष्य अति मानव, अलौकिक और सुपरमैन बनना चाहता है। उसको लगता है कि उसे देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि भगवान हमसे बड़ा है, तो वो भगवान बनना चाहता है। असल में भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है। भागवत ने आगे कहा कि लोगों को मानव जाति के कल्याण के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विकास और मानव महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले भी मोहन भागवत ने ऐसा ही कुछ बयान दिया था, जिससे पता चल रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में दूरी आ गई है। मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं, गरिमा होनी चाहिए। लोक सेवा की आरएसएस प्रमुख के बयान के ठीक बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया लेकिन बहुमत नहीं मिला। भगवान ने अहंकार के कारण पूरी शक्ति नहीं दी। वहीं जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, वो सब मिलकर के भी नंबर वन नहीं बने, नंबर दो पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर एक नहीं बने, नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया, कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। और इन तमाम बयानों के बाद देखा जाए तो मोहन भागवत का अभी ये बयान पूरी तरीके से दूरी साफ बता रही है कि वो किस तरीके से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विपक्ष भी इन सारे मामले को आड़े हाथों ले रहा है।